तैयारी यहाँ से है सिकंदरपुर से, अब वापस हम लोग चलेंगे अपने गोरखपुर जिला उरुंगा थाना। देखिए एसआई साहब जो उरुंगा थाने के, ये कांस्टेबल ऑफ पुलिस नादिर खान और हेड कांस्टेबल जो है गुंगरू से। अरे भाई तो ये रहा जो है शकील भाई का घर, और यहाँ बाहर देख सकते हैं दो बोर्ड लगा, मतलब बोर्ड एक ही है लेकिन इनमें दो लोगों का नाम है, मोहम्मद शकील यूपी पुलिस, मोहम्मद वाकिफ आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स। हमको लगता है दोनों लोग भाई हैं, नीचे वाले छोटे हैं ऊपर वाले बड़े हैं, लेकिन धरती ये पहले हुए इनका ऊपर होना चाहिए था। मैं बड़हलगंज में हूँ और बड़हलगंज प्रभावती सुपर बाजार, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी काफ़ी मतलब अच्छा है, अभी खाना वगैरह हम लोग खाए, काफ़ी लाजवाब खाना था। और यहाँ पे एक एंटी चीज देख सकते हैं, ये स्कूटर है जो मतलब पुरानी यादें अगर कह लिया जाए तो ये है, अब तो ये देखने को मिलता ही बजाज चेतक जो ऑनर है हमारे पाड़े जी हैं भैया, इनका जो है केजीएस का जो है सीमेंट का एजेंसी है, और जैसा कि ये हमारे भैया डीलर उनके हैं राजू भाई। और खाना हम लोगों को जो बना के जो खिलाएं बावर्ची वो शफीक भाई हैं, काफ़ी शानदार बहुत ही लाजवाब खाना था भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो खिलाने के लिए। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम लोगों की फिर से तैयारी है एक बार वीरों की धरती गाजीपुर पर, क्योंकि जो है जो कांस्टेबल ऑफ पुलिस नादिर खान का जो है आज दावत वलीमा है, तो राजू भाई आ चुके हैं और बस काजू भाई अरशद भाई और शकील भाई का वेट है, तो जैसे वो आते वैसे हम लोग जो है गाजीपुर के लिए निकलेंगे। तो आज की ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत कुछ जो है आज आपको नया देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को जो है आप अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोगों की लाइक की जो संख्या है ना वो कम हो गई है। तो चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही यहाँ बहुत बढ़िया आ रहा है यार, वहाँ आप लोग का सही नहीं आ रहा था, अभी देखिए यहाँ अच्छा एकदम लुक आ रहा है। चलिए थोड़ा सा व्लॉग में जो ले लिया जाए अपना शफीक भाई किराना वाले को भी। तो गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी हम लोगों का यहाँ से निकल चुका है पहाड़पुर से गाजीपुर के लिए, साथ में कौन कौन से लोग हैं चलिए वो आपको दिखाते हैं। चेहरा दिखाइए भाई। अरशद भाई इधर, शकील भाई ये रहे, राजू भाई तो पहले ही दिखा चुका हूँ, काजू भाई को दिखा देते हैं भाई, बड़ी मेहनत। हाँ भाई बहुत मेहनत हम लोग किया। तो हम लोग पहुँचे हैं करीब मदरिया से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे काजू भाई थोड़ा सा रुके थे, तो हम लोग कहे सरसों बहुत शानदार लग रहा था फुलाया हुआ, तो थोड़ा सा वीडियो यहाँ भी शूट कर लिया जाए, काफ़ी अच्छा जो भी। तो अभी जो है यहाँ से फिर अपनी जो है टीम निकल रही है, और अब अगला स्टॉप देखिए कहाँ चाय पानी के लिए रुकता है। तो नेक्स्ट स्टॉप हम लोगों का बड़हलगंज में हो गया है, ये मुस्तफ़ा भाई हैं, ये अभी अपने बड़हलगंज थाने पे, और यहाँ पे हम लोग बनवा रहे हैं जूस, मतलब मुस्तफ़ा भाई पिला रहे हैं स्पेशल इनके जो है, मतलब कहने पर हम लोग यहाँ रुके हैं। यहाँ पे पूरा मिक्स जो है जूस है, जिसमें चुकंदर है और गाजर है, अदरक है, मौसम्बी है, अंगूर है, लग रहा है आंवला है। भैया कितने किलो का है इसमें, कितना आइटम मिला है? अच्छा 5-6 आइटम मिला है बता रहे हैं, तो बस जूस पिया जाएगा, जूस पीने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिक्स जो है ये जूस काफ़ी शानदार है, लेकिन थोड़ा हार्ड लग रहा है। ये देखिए ये खाली दिखा रहे हैं कि मैं गिलास पिया हूँ, लेकिन ये बस वही उतना पी रहे हैं। इन बेचारे का किया जाए, थोड़ा सा महिलाओं वाली दिक्कत है। अब नहीं इनको मतली आती है। देखो जो सब जूस पी रहा है, डायरेक्ट गाजरे खा रहे हैं। ज्यादा लोग ना दिखाओ, चार गिलास का ऑर्डर मिल जाएगा कि पैक करवा के। ना जबड़ा लाल हो गया। तो दे दीजिए, आई से जुड़ जाएगा। तो भैया जो है आप ये जो जूस बना रहे हैं ये लगभग कितने रुपया गिलास पड़ रहा है? 20 रुपया। और क्या क्या मिला है इसमें? संतरा है, चुकंदर है, गाजर है, आंवला है। संतरा, चुकंदर, गाजर, आंवला आदि। अच्छा आदि भी है, सब मिक्स है। तो दिखा भी देते हैं किस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से सेट किए हुए हैं, देख सकते हैं आदि, चुकंदर, गाजर, टमाटर, आंवला जो है हर आइटम यहाँ पे जो है रखा हुआ और पूरा मिक्स करके ये जूस बना रहे हैं। उधर सारा काट के रखा हुआ है, क्योंकि काट के ही जो है मिक्सर में पड़ रहा है। इस
सामने देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बक्सर की तरफ जाता है, और पिछली बार जब हम लोग गाजीपुर आए थे तो इसी एक्सप्रेसवे पे चढ़ के हम लोग बारा गए हुए थे। अरशद भाई की वहाँ तो तीसरा स्टॉप हम लोगों का गाजीपुर जिले के अंदर जो है मर्दा जो है जगह है, और ये हमारे उधर देख सकते हैं खड़े हैं अभय विश्वकर्मा भाई। इनका ये मकान है और नीचे इनकी जो है हार्डवेयर की दुकान है। अब आप सोच रहे होंगे इनसे कैसे संपर्क होगा, तो ये भी हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वीडियो देखते हुए। तो पिछली बार जब हम लोग गाजीपुर आए थे तो इन्होंने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि भैया जहाँ से आप एक्सप्रेस वे चढ़े वहीं से 3 किलोमीटर आगे हमारा गाँव है। तो चलिए यहाँ भी रुके थे, अभी पानी उनी पिया जा रहा, अब यहाँ से निकलेंगे। अब अगला स्टॉप हमें लगता है कि अब सीधे सिकंदरपुर गाँव की जो है इंडिया हार्डवेयर के नाम से एकदम बनारस वाले रूट पे गाजीपुर में हार्डवेयर की दुकान है, और इसी में जो है ये इलेक्ट्रिकल की भी डालने वाले हैं। इसके ऊपर फ्लोर जो है वहाँ के लिए सीढ़ी बनवा रहे हैं, उसके बाद से अभय भाई ऊपर इलेक्ट्रिकल का भी डाल लेंगे। इनकी बिल्डिंग मटेरियल की भी दुकान आगे हैं बता रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से अब निकला जाए, अब नेक्स्ट स्टॉप जान ही रहे हैं कहाँ रुकना है। चुके हैं नादिर भाई के गाँव, इन्हीं की जो है शादी थी, दावत वलीमा है आज। पानी वगैरह पीने के लिए सारे आइटम आ चुके हैं राजू भाई। तो दोस्तों अभी सिकंदरपुर आने के बाद से पानी उनी पी के थोड़ा हम लोग अब घूमने के लिए निकले हैं। अब घूमते घूमते देख सकते हैं अभी जहाँ पहुँचे हैं, ये छोटा सा ग्राउंड अभी दिखा रहे घुमा के। बाकी हमारे साथ जो है जो भी लोग दिख रहे हैं परिचय वाले में, जैसा कि ये अरशद भाई के भाई हैं शौकत भाई, जिनके वलीमे में हम लोग गए थे पिछली बार 12। फिर अरशद भाई तो पहचान ही रहे, बगल में जो है इधर सरताज भाई, ये भी अपने गोरखपुर में ही है चौकी जेल रोड पे। और फिर ये हैं दीपक भाई जो है ये खोराबार थाने पे पोस्टेड है, और शकील भाई, सभी लोग जो है रिलेटिव वगैरह यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। हाँ, अब आपको ग्राउंड यहाँ का दिखा देते हैं। देखिए ये ग्राउंड है छोटा सा, अब यहाँ जो भी लोग खेलते हो, बाकी नेट वगैरह बांधने के लिए वॉलीबॉल का उधर देख दो खंबा दिख रहा है। ग्राउंड का पहरा पहरेदार सही है। तो इसी तरह से हंसते मुस्कुराते छोटा छोटा जो है क्लिप हम लोग बनाते जा रहे हैं कि आने वाले टाइम के लिए ये सब यादगार रहे, और बाकी अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब गाजीपुर आना होता है। इन्हीं लोग के सहयोग से जब भी आना है तो आना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, अभी शकील भाई की तरफ से 3 बार आना है। एक बार इनके जो है वो मंगनी में सिस्टर में, एक बार मेरे सिस्टर की। अच्छा, मेरे पहला जो सिस्टर में, एक बार मेरे भाई में। अच्छा, हम सोचे मंगनी उंगनी वाला जोड़ के 3 बार आना है। नाचो बना रूही नाच, लेकिन नादिर भाई कहते बिट्ठलपुर वाला जो है। अब देखिए कौन सा जो नाचाता है, काजू भाई को। अरे भाई मत कहिए, हाजी साहब है, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा इनका। तो अभी जो है खाना पीना हम लोगों का हो गया। नादिर भाई शर्मा कहाँ रहे भाई, देखिए राफिल भाई वाली हरकत हो रही। जैसे ही गाड़ी में उनसे पूछे वैसे ही शर्मा आ गया पूरा। तो खाना पीना यहाँ भी खा के हम लोग जस्ट आए हैं। तो नादिर भाई से मुलाकात हो रहा कुछ टाइम, अभी हम लोग यहाँ रहेंगे। और बाकी टीम लगभग देख ही चुके हैं, और ये थोड़ी सी खाने पीने वाली जगह थी, टेंट वगैरह देख ही सकते हैं, तो सोचा गया थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहे। अरे हमारे शकील भाई छुप रहे हैं भाई, इनको ले चलिए किनारे पे। हाजी साहब और शकील भाई दोनों लोग। तो बाकी देख सकते हैं ये जो बैरक बना हुआ है, और इस तरह से पूरी एक लाइन से जो है जैसे बैरक में लगी रहती है ना जो है खटिया चारपाई, उसी तरह से जो है बीच से रास्ता है और दोनों साइड चारपाई लगी हुई है, बकायदे गद्दा और उस पर चादर वगैरह बिछा है, इनको आराम करना वो आराम करना। तो अभी हम लोग जाते जाते एक गाड़ी दिखी है, रॉयल इनफ्लाइट जो है हिमालयन क्या करके है, लेकिन काफ़ी अच्छा लुक आ रहा। और जैसा कि हमारे शकील भाई बताए हैं कि जवान मूवी में जब पैसा लूटते हैं तो ये इसी गाड़ी पे लूटा गया था। अच्छा, एटीएम लूटते हैं।
वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी मशीन है, वोटर मशीन। अच्छा अच्छा, वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन, हाँ। तो चलिए इसका जो चलान भी किया जाए। अब तैयारी यहाँ से है सिकंदरपुर से, अब वापस हम लोग चलेंगे अपने गोरखपुर जिला उरुआ थाना। देखिए एसआई साहब जो उरुआ थाने के, ये कांस्टेबल ऑफ पुलिस नादिर खान और हेड कांस्टेबल जो है गुंगरू से। अरे भाई तो नादिर भाई से मुलाकात करते हुए निकला जाएगा। चलिए भाई, चलिए भैया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो है मकबरा है, ये लॉर्ड कार्नवालिस वालिस के जो है ये मकबरा है, जिनके बारे में मतलब बताया जाता है कि जो राजस्व व्यवस्था है और राजस्व व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के जो है इनके शासन काल में जो है मतलब बहुत ज़्यादा सुधार किया गया था। और अभी हम लोग जो है इसी में घूम रहे हैं और यहाँ की एक कवरेज भी हुई है जो डाबरा समाचार 24 पे जो है आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लोग दिख रहे हैं इसमें। अरे बकरे, बकरे का गोश्त कहाँ है? मतलब शाकाहारी लोग खूबसूरत नहीं होते हैं? बेइज्जती करवा रहे क्या? कोई केस कर देगा? गाजीपुर को लाड करने वाली सफूल फैक्ट्री और वीरा दुलामी के नाम से जाना जाता है। आप ही बता दीजिए। अब यहाँ से होके जाएंगे चरण। चलिए ठीक है। जैसा कि मतलब बगल से जो है हमारे अरशद भाई हमको गाइड करते रह रहे हैं कि जो गाजीपुर को है लॉर्ड कार्नवालिस के नाम से, और जो अफीम फैक्ट्री यहाँ पे, और वीर अब्दुल हमीद सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है जिनके बारे में जो है मतलब बताया जाता है कि जब पाकिस्तान से जो है जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो है वीर अब्दुल हमीद साहब का जो है काफ़ी अहम योगदान था, और जिन्होंने जो है पाकिस्तानी टैंकरों को जो है उड़ाकर और सात टैंक मतलब क्या क्या बोलते हैं, पेटन टैंक। अच्छा पेटन टैंक, मतलब क्या खासियत होती उसकी? पेटन टैंक जो अमेरिका उसको बताता था कि ये अनश्वर है, इसे कोई तो इसे कोई उड़ा नहीं सकता। उसको जो है वो सात टैंक उड़ाए थे और खुद भी शहीद हो गए यही गाजीपुर में जो धामापुर गांव में उनकी जो है जो क्या बोला जाएगा, मकबरा ही बोला जाएगा ना, समाधि स्मारक जो है गाजीपुर में जो धामापुर गांव है वहां पे उनका स्मारक है। और बाकी लॉर्ड कार्नवालिस का जो है ये पीछे देख सकते हैं स्मारक, यहां पे हम लोग रुके हैं, कवरेज किए हैं और जो है वापस जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है सफ़र रहा यहाँ का, और यहाँ के थोड़ा सा इतिहास जो मतलब जो यहाँ बोर्ड पे है वो मैं आपको सामने वाले कैमरे से दिखा देख सकते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है जो लिखा हुआ है, लॉर्ड कार्नवालिस को ब्रिटिश शासनकालीन भारतीय इतिहास में एक कुशल प्रशासक एवं महान सेनानायक के रूप में जाना जाता है। भारत के गवर्नर जनरल के पद को इन्होंने 2 बार सुशोजित किया था। तो बाकी इतिहास आप पढ़ लीजिएगा वीडियो में। अपनी गाड़ी इनोवा क्रिस्टा, चलो ये बात बताइए। बाकी ये अपने टीम के साथी लोग, अब हम लोग बैठेंगे और चलेंगे अभी शकील भाई के घर पे, क्योंकि इनका घर यहीं पे करीब में, और वहाँ पे अब रूह अफजा लोग पियेंगे। हैं राजू भाई, हाजी साहब का ही रिक्शा जा रहा है। हाँ काजू भाई का ही रिक्शा। कहाँ कहाँ भेज दिए काजू भाई। तो ये गाजीपुर शहर में एक बार और मैं मकबरा दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी विशाल और काफ़ी मतलब सुंदर, और जो कलाकारी इस मकबरे को बनाने में ना यार मतलब लाजवाब है। कील साहब के वहाँ हम लोग बैठ पहुँच चुके हैं और मुर्गा जो है छत पे बैठा हुआ, देखिए स्वागत के लिए वो एग्री लेकिन ताक नहीं रहे। चलिए इधर इधर, नहीं ताक रहा भाई, गुस्सा आ गया लग रहा, देर कर दी हम लोग आने में। तो ये रहा जो है शकील भाई का घर, और यहाँ बाहर देख सकते हैं 2 बोर्ड लगा, मतलब बोर्ड एक ही है लेकिन इनमें 2 लोगों का नाम है, मोहम्मद शकील यूपी पुलिस, मोहम्मद वाकिफ RPF मतलब रेलवे पुलिस फोर्स। हमको लगता है दोनों लोग भाई, दोनों लोग भाई हैं, नीचे वाले छोटे हैं ऊपर वाले बड़े हैं, लेकिन भर्ती ये पहले हुए, इनका ऊपर होना चाहिए था, ये बड़े ही हैं लेकिन भर्ती ये पहले हुए ना। अभी जो है शाम का समय लगभग कितना बज गया, 5 लगभग बज गया, और हम लोग इस समय शकील भाई के भी घर पे ही हैं। इनका बागीचा आपको दिखा देता हूँ, सामने देख सकते हैं अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है। अरे अंदर अंदर ले चलिए, तो राजू भाई लगे हैं अमरूद खाए। तो आज की शाम गाजीपुर के नाम। हेलो। तो हाँ तो नहीं गए बाथरूम में। तो देखिए
गाजीपुर के जो है जो प्लम्बिंग मिस्त्री है देखिए कितना बेवकूफ बनाते हैं, मतलब एक ही लाइन उतारने के लिए कम से कम 3 जो है इनलेट और 2 आउट नहीं नहीं 2 इनलेट और 3 आउटलेट उतारे हुए, मतलब कितनी पाइप हो गई, 2, 4, 6, 7 पाइप जो है यहाँ पे है 1.25 और 1 मिलाकर। तो बिल्कुल टेरिस पे अभी हम लोग आ गए हैं और टेरिस पे आके देखा जा रहा गाजीपुर यहाँ से कैसा दिख रहा है। चलिए सामने वाले कैमरे से दिखाएंगे तब आपको जो सही से दिखेगा। अच्छा वो पुलिस लाइन है, तो गाजीपुर का ये देखिए पुलिस लाइन है, वो महिला बैरक है, हमें लग रहा कम से कम 6 माला 8 है, वो 8 से 9 माला से कम नहीं होगा। और ये क्या है, ये स्टेडियम है, ये पूरा ये स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम का ही, ये स्टेडियम का हिस्सा। अच्छा स्टेडियम का हिस्सा है, इसके बगल में जो है कचहरी। अच्छा, सारा स्टेडियम है। अच्छा इसके बगल में और जमीन खाली, उसमें कचहरी आ गया। अच्छा इसके आगे ये जो मंच बना है इसी पे कोई भी नेता आते हैं तो भाषण देते हैं और यहीं से ड्यूटी लगती है। सामने जो है मंच बना हुआ है, अगर गाजीपुर में किसी भी कोई बड़े नेता का प्रोग्राम होता है किसी भी नेता का तो वहीं पे प्रोग्राम होता है। तो ऊपर से जो है गाजीपुर सिटी को दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो देख सकते हैं सरकारी हैंडपंप यहाँ पे लगा हुआ घर के अंदर, लेकिन ये प्राइवेट में लगा हुआ है सरकारी मॉडल। तो अभी गाजीपुर से चल के हम लोग जो है आ गए हैं बड़हलगंज और ये यहाँ का है प्रभावती जो है मॉल है सुपर बाजार। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि इस समय मैं बड़हलगंज में हूँ और बड़हलगंज प्रभावती सुपर बाज़ार, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी काफ़ी मतलब अच्छा है, अभी खाना वगैरह हम लोग खाए, काफ़ी लाजवाब खाना था। और यहाँ पे एक एंटीसीज देख सकते हैं, ये स्कूटर है जो मतलब पुरानी यादें अगर कह लिया जाए तो ये है, अब तो ये देखने को मिलता है। बजाज चेतक है, लोगों निकल गया। अच्छा लोगों निकल गया और काफ़ी शानदार जो है यहाँ का व्यू आ रहा है। और इसके जो ऑनर हैं हमारे पाड़े जी हैं भैया, इनका जो है KGS का जो है सीमेंट का एजेंसी है। और जैसा कि ये हमारे भैया डीलर उनके हैं राजू भाई। और खाना हम लोगों को जो बना के जो खिलाएं बावर्ची वो शफीक भाई हैं, काफ़ी शानदार, बहुत ही लाजवाब खाना था भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो खिलाने के लिए। अब यहाँ से अपनी तैयारी निकलने काफ़ी समय दिए भैया हम लोगों को जो है, और इनसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा।